पुढचा भाग आपण अभ्यासूया. माझी मला लाज वाटू लागली, मी धावत गेलो. दादू फाटा घुगडत होता, मी त्याचा हात धरून म्हटले, दादू कुठे चाललास? की दादू जब घर छोड़कर जाने लगा तब मैं दौड़ते हुए गया और दादू का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मैं दादू से पूछा कि दादू कहाँ जा रहे हो? तुमच्या आई साहेबांकडे. तब दादू ने कहा कि आपकी वालिदा के पास. माझे आई कड़े? मेरी वालिदा के पास? हो हाँ, आपकी वालिदा के पास. कशाला? क्यों? त्यांच्या झाडाला कीड लागली हे सांगायला कि मैं उनके पास जा रहा हूं, ये बताने के लिए कि उनके पेड़ को दीमक लग चुकी है, कीड़ लग चुकी है, वो खराब हो चुका है. रागीट सोराने मी उद्गारलो, मी वाटेल ते करीन, तुला काय करायचे त्याच्याशी? मैंने कहा कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो करूंगा, उससे तुझे क्या लेना देना है? मला काय करायचं? मला माझ्या मुलाला सांभाळायचं. ये सुनकर दादू ने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी औलाद को संभालना है, मुझे मेरे बेटे को संभालना है. तुझा मुलगा तर सोलापुरात आहे, तेरा लड़का तो सोलापुर में है. होय साहेब, तिथे तो काही भलत सलत करायला लागला तर त्याच्या जवळ असलेल्या म्हाताऱ्यांनी त्याला आवरायला नको का? तिथे लोकांनी त्याला सांभाळायला हवं, मग इथे मी. हा साहेब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मेरा लड़का तो सोलापुर में है, लेकिन अगर वो सोलापुर में अगर गलत संगत में पड़ जाता है, गलत काम करने लगता है, तो उसे जो संभाल रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे रोके, उसे वो रोके, और वहां के लोगों ने उसे रोकना चाहिए और संभालना चाहिए. फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको यहां पर रोकू, आपको संभालू. त्याच्या डोळ्यातून घरघर पाणी वाहू लागले. हे कहने के बाद जो है दादू जोर जोर से रोने लगा. डोळ्यातून घरघर पाणी वाहणे आणि जोर जोर से रोना. त्याच्या पाठीवरून हात फिरवत मी म्हटले, रडू नकोस दादू, तुझी नौकरी कायम आहे. कि उसको रोते हुए देख कर मैंने उसकी पीठ पे से हाथ फेरा और उससे कहा कि दादू रोइए मत, तेरी नौकरी कायम है. नौकरी करता मी रडत नाही साहेब, तुमच्या ऐवजी माझा मुलगा असता तर मला जेवढं दुःख झालं असतं तेवढं मघाशी तुम्ही दुकानावर जायला सांगितले तेव्हा झाले. मैं नौकरी के लिए नहीं रो रहा हूं साहेब, आपकी जगह अगर मेरे लड़के ने मुझे शराब लाने के लिए कहा होता, उस वक्त जितना दर्द मुझे हुआ होता, उतना ही दर्द, उतना ही दुख जब पीछे आपने मुझे शराब लाने के लिए कहा तब हुआ. दादू चा हाथ धरून मी याला घरात नेले. दादू का हाथ पकड़कर मैंने उसे घर में लाया. मी खोलीत गेल्या बरोबर जागीरदार म्हणाला, कुठे गेला होतास? मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे देख कर ही जागीरदार ने कहा, कहा गया था बाहर तारवाला आला होता. तारवाला पूर्वीच्या काळी तातडीचा संदेश, पूर्वीच्या काळातला तातडीचा संदेश कि पुराने वक्त में जो इमरजेंसी पैगाम होता था वो पैगाम को तार कहते थे और लाने वाले को तारवाला कहते थे. मैंने कहा कि बाहर तारवाला आया था. तार कोणाची आली बुआ या वेळी? कि इस वक्त किसकी तार आई? आई जी फार आजारी आहे ती. मैंने कहा कि अम्मी की तार आई है, बहुत बीमार है वो. मी घाई घाई ने ट्रंक उघडली, खुंटाळ्यावरचे कपडे काढले आणि सामानाची बांधाबांध करू लागलो. मैंने जल्दी जल्दी ट्रंक सामान रखने की पत्रे की पेटी आणि खुंटाळ्यावरचे और लकड़ी दीवार के अंदर जो लकड़ी की खूंटी लगी हुई थी उसे कहते हैं खुंटाड़ा, उसके ऊपर टंगे हुए कपड़े निकाले और मैं बांधाबांध करने लगा. बांधाबांध करने सामान इकट्ठा करना और मैं सामान इकट्ठा करने लगा. जागीरदार मनाला, बर जातो हाँ. ये देखकर जागीरदार ने कहा ठीक है मैं जाता हूं. त्याला दारापर्यंत सोडून परत आलो. दादू एखाद्या लहान मुलासारखा हसत उभा होता कि जब मैं जागीरदार को दरवाजे तक छोड़ने के लिए गया और वहां से वापस आया तो मैंने देखा कि दादू जो है एक छोटे बच्चे की तरह हंसते हुए खड़ा था.